अगले पृष्ठ पर चलते हैं जहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि 10x प्लस 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस 10 पाई बाई 3 माइनस एक्स ये इक्वल टू होगा 3 टाइम्स 10 3x के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं जो कि है 10x प्लस 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस 10 पाई बाई 3 माइनस एक्स। यहाँ पर ये 10 ए प्लस बी और यहाँ पर 10 ए माइनस बी के फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। चलिए आगे हल करते हैं। ये 10x 10 ए प्लस बी 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, फिर माइनस ये 10 ए माइनस बी ये हो जाएगा 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। इसे आगे हल करते हैं। ये 10x प्लस 10 पाई बाई 3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये हमें मिलेगा रूट 3 और फिर ये 10x, फिर ये 1 प्लस 10 पाई बाई 3 अगेन रूट 3 और फिर ये 10x। यहाँ पर जहाँ पर भी 10 पाई बाई 3 है उसका वैल्यू हम रूट 3 पुट कर रहे हैं तो ये हमें मिल जाएगा रूट 3 प्लस 10x इंटू ये वाला पद, ये हमें मिल रहा है 1 प्लस रूट 3 इंटू 10x, फिर माइनस ये वाला पद रूट 3 माइनस 10x इंटू ये वाला पद, ये 1 माइनस रूट 3 10x। आगे हल करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार ये 1 माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब इसका गुणा इस पूरे पद के साथ करते हैं तो रूट 3 प्लस ये रूट 3 और ये रूट 3 3 और ये 10x, फिर प्लस ये 10x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 10x, फिर ये 10x और रूट 3 10x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा रूट 3 10 स्क्वायर एक्स, फिर माइनस रूट 3 इंटू 1 ये मिल जाएगा रूट 3, फिर रूट 3 इंटू रूट 3 10x मिल जाएगा माइनस 10x, फिर ये माइनस 10x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा माइनस 10x, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई का होके हो जाएगा प्लस रूट 3 10 स्क्वायर एक्स। आगे सरल करें तो ये 10x प्लस रूट 3 प्लस 3 10x प्लस 10x प्लस रूट 3 10 स्क्वायर एक्स, फिर ये माइनस रूट 3, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस 3 10x, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस 10x और फिर ये माइनस रूट 3 10 स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये प्लस स्क्वायर रूट 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट 3 10 स्क्वायर एक्स ये और ये पद कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 10x प्लस 10x 4 10x और फिर ये 3 10x प्लस 10x 4 10x, तो 4 प्लस 4 दैट इज 8 10x, तो यहाँ से आगे हमें मिल रहा है 10x प्लस 8 10x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। आगे इसका LCM निकाल करके हम हल करें तो ये LCM मिलेगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स और फिर 10x का मल्टीप्लाई इसके पद के साथ हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा 10x माइनस 3 10 क्यूब एक्स, ये 10x और यहाँ पर ये 10 स्क्वायर एक्स है तो मल्टीप्लाई होकर के मिल जाएगा 10 क्यूब एक्स, फिर प्लस 8 10x, 8 प्लस 1 यहाँ पर मिल जाएगा 9 10x माइनस 3 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अंश में यदि हम 3 को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स और ये जो पूरा पद है
ये टेन थ्री एक्स के बराबर है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 × 10 3x, जो कि राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है cot x प्लस cot पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस cot पाई बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 3 × cot 3x, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो cot है इसे हम 1/10 के फॉर्म पे लिखेंगे। तो cot x को मैं लिख सकता हूँ 1/10x, फिर प्लस 1/10 π/3 प्लस एक्स, फिर माइनस 1/10 π/3 माइनस एक्स। यहाँ पर 10a+b और यहाँ पर 10a-b के फार्मूले का उपयोग करेंगे। 1/10x प्लस 10a+b, ये होगा 10a+10b अपॉन 1 − 10a 10b, फिर माइनस ये 10a-b, तो ये आपको मिलेगा 10a-10b अपॉन 1 + 10a 10b। 10π/3 √3 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/10x प्लस 1 − √3 10x अपॉन √3 + 10x माइनस ये √3 − 10x, और ये अंश में 1 + √3 10x, ये 1/10x है। और इन दोनों पदों का हम LCM ले लें तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा √3 + 10x और √3 − 10x। इस पद का मल्टीप्लाई इस पद के साथ होगा, तो ये 1 − √3 10x √3 − 10x, फिर माइनस इस पद का गुणा इस पद के साथ 1 + √3 10x √3 + 10x इक्वल टू 1/10x प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे a + b × a − b, a² − b² होता है, तो इस तरीके से ये मिल जाएगा 3 − 10² x। इस पद का मल्टीप्लाई इस पद के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 × √3 √3, फिर माइनस 10x, फिर माइनस √3 10x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिल जाएगा −3 10x, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के मिल जाएगा +√3 10² x, और फिर माइनस साइन। इस पद का मल्टीप्लाई उस पूरे पद के साथ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3 + 10x, 1 का मल्टीप्लाई इस पद के साथ, फिर प्लस √3 × √3 3 10x, फिर प्लस √3 10x × 10x 10² x। यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पद हमें मिल जाएगा माइनस, ये पद हमें मिल जाएगा माइनस, और ये पद हमें मिल जाएगा माइनस, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये √3 + है और ये √3 - है, इसी तरीके से √3 10² यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब जो पद बच गए हैं उसे हम लिख लेते हैं 1/10x प्लस ये 10x और ये 10x, तो ये −2 10x और ये −3 10x और ये −3 10x, −6 10x अपॉन 3 − 10² x। इन दोनों का LCM ले लेते हैं तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 10 × 3 तो ये मिल जाएगा 3 10x, फिर माइनस 10x × 10 10³ x, ये 1 − इन दोनों का जो माइनस चिन्ह है इसे हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये माइनस और फिर ये 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हमें मिलेगा −2 10² x,
और फिर माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन टेन एक्स माइनस 2 टेन एक्स और 6 टेन एक्स, ये मिल जाएगा 8 टेन एक्स अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसे आगे हल करें तो इसका जो एलसीएम है ये हमें मिल जाएगा 10x इंटू 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स, और अंश में हमें मिलेगा 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 8 टेन स्क्वायर एक्स, 3 माइनस 8 टेन स्क्वायर एक्स और ये टेन स्क्वायर एक्स, ये मिल जाएगा माइनस 10 माइनस 9 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स। अंश से यदि हम 3 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स। तो ये है 3 1 अपॉन 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन ये वाला पद 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। सो 3 इंटू 1 अपॉन ये जो है ये टेन 3x के बराबर है, तो ये आ जाएगा टेन 3x, और टेन को हम कॉट के फॉर्म में लिखें तो ये मिल जाएगा 3 कॉट 3x, जो कि है राइट हैंड साइड जो हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं जहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि साइन 3x इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 3x इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये होगा बराबर कॉस क्यूब 2x के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे हल करने के लिए या सिद्ध करने के लिए कुछ सूत्रों का उपयोग करेंगे, जिसे कि हम जानते हैं साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ से हम साइन क्यूब x का मान निकाल सकते हैं, ये साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 3x अपॉन 4, और इसी तरीके से cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इसको सरल करके हम cos क्यूब x का मान निकाल सकते हैं, cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। ये मान और यहाँ से ये मान, इन दोनों मान का उपयोग हम करेंगे। चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू देखते हैं, साइन 3x साइन क्यूब x प्लस कॉस 3x कॉस क्यूब x। तो ये जो मान साइन क्यूब x और कॉस क्यूब x के मान प्राप्त हुए हैं उसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये साइन 3x और फिर ये 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 प्लस कॉस 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 कॉस x अपॉन 4। यहाँ से 1 बाई 4 यहाँ से 1 बाई 4 दोनों पदों में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, ये 1 बाई 4 और फिर ये साइन 3x का मल्टीप्लाई इस पद के साथ और कॉस 3x का मल्टीप्लाई इस पद के साथ कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स साइन x इंटू साइन 3x, फिर माइनस साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस 3x और कॉस 3x का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 3x, फिर प्लस 3 cos x इंटू cos 3x। यहाँ पर 3 sin x है और sin 3x है, यहाँ पर 3 है, तो
तो इन दोनों पदों को हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ से मैं 3 कॉमन निकालूँ और ये कॉस वाले पद को मैं पहले लिख रहा हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन 3x और प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो पद है ये कॉस a माइनस बी इस फार्मूले को बिलोंग करता है। तो कॉस a माइनस बी होता है इक्वल टू कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, और ये वाला जो पद है ये कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस, और ये पद कॉस 2x वाले फार्मूले को बिलोंग करता है। तो चलिए आगे हल करते हैं। ये है 1/4 और फिर 3 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स प्लस कॉस 2 इंटू 3x 1/4 3 कॉस 2x प्लस कॉस 3 इंटू 2x, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ है कि कॉस 3x इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस माइनस 3 कॉस एक्स, तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 2x है, तो इस पद को हम इस सूत्र का उपयोग करके आगे लिखेंगे। ये 1/4 फिर 3 कॉस 2x फिर प्लस 4 कॉस क्यूब 2x फिर माइनस 3 कॉस 2x, 3 कॉस 2x और माइनस 3 कॉस 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1/4 इंटू 4 कॉस क्यूब 2x, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिल रहा है कॉस क्यूब 2x और जो कि है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन पाई बाई 10 ये जो होगा ये रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होगा। पाई बाई 10 का मतलब है 18 डिग्री, या फिर साइन 18 डिग्री इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ये हमें सिद्ध करना है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमें साइन 18 डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलिए तो इसके लिए हम लेते हैं कि माना x इक्वल टू 18 डिग्री है, तो यदि इसमें हम दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर दें तो मिल जाएगा 5x बराबर 18 × 5 = 90, और ये जो 5x है या 5x है इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x और ये है 90 डिग्री। तो यहाँ से यदि मैं 2x इक्वल टू लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 3x, और यदि दोनों पक्षों में मैं साइन अप्लाई कर दूं तो ये मिलेगा साइन 2x इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3x। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से ये हमें मिलेगा कॉस 3x। अब चूंकि हमने पढ़ रखा है कि साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x कॉस x, इस फार्मूले से हम इस पद को रिप्लेस कर देंगे 2 साइन x कॉस x से। इसी प्रकार कॉस 3x इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, तो इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करके हम आगे हल करते हैं। तो ये जो साइन 2x है इसे मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, और ये कॉस 3x को मैं लिख रहा हूँ 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। पूरे पद को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू 0। पूरे पद में कॉस एक्स जो है ये कॉमन है तो इसे हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो ये कॉस एक्स फिर ये 2 साइन एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा 2 साइन एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। चूँकि कॉस एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा कॉस 18 डिग्री जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है और ये पद शून्य नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस वाले पद का मान शून्य के बराबर होगा। चूंकि हमें साइन 18 का मान निकालना है तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 साइन एक्स माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
फिर ये प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। आगे सॉल्व करते हैं, टू साइन एक्स माइनस फोर और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे हम, चूँकि यह एक वर्ग समीकरण है इस वजह से इसे साइन एक्स के घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। साइन एक्स में ये एक वर्ग समीकरण है और हमने पढ़ा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो इसका जो हल है ये एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए सी दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें जो मान मिलेगा ये होगा साइन एक्स इक्वल टू माइनस बी दैट इज़ माइनस टू, फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू इंटू फोर। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस टू प्लस माइनस रूट ट्वेंटी अपॉन एट, और आगे हल करें तो ये मिल जाएगा माइनस टू प्लस माइनस टू रूट फाइव अपॉन एट। यहाँ से हम टू कॉमन ले सकते हैं और ये एट कैंसिल हो जाएगा और फोर आएगा, तो ये माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन फोर, ये है साइन एक्स का मान। चूँकि एक्स जो है ये प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है, अतः साइन एक्स का मान जो हमें मिलेगा वह धनात्मक होगा। इस वजह से साइन एक्स इक्वल टू हम लिख रहे हैं रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर। ये माइनस वन प्लस रूट फाइव, तो इसको मैंने धनात्मक पद को पहले लिख लिया, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है साइन एक्स इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर, और यही हमें सिद्ध करना था। एक्स इक्वल टू हमने माना था 18 डिग्री, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन 18 डिग्री इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर। अगला प्रश्न है, कॉस 18 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के पहले हम यह जानते हैं कि साइन 18 डिग्री ये होता है रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर, तो यहाँ से हम कॉस 18 डिग्री को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब ये मान हम रख देते हैं स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर, और ये इसका स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो ये मिल जाएगा वन माइनस रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, फिर ये प्लस वन, फिर माइनस टू रूट फाइव अपॉन सिक्सटीन। आगे हल करें तो ये एलसीएम मिल जाएगा 16, और ये 16 माइनस फाइव प्लस वन सिक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस टू रूट फाइव। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 16 है स्क्वायर रूट मिल जाएगा हमें 4, 16 माइनस सिक्स दैट इज़ 10 प्लस टू रूट फाइव, और यही हमें ज्ञात करना था कि कॉस 18 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 10 प्लस टू रूट फाइव अपॉन फोर। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कॉस 36 डिग्री इक्वल टू रूट फाइव प्लस वन अपॉन फोर। तो इसे सिद्ध करने के पहले हम जानते हैं कि कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वाले फार्मूले या फिर ये वाले फार्मूले में से किसी भी एक फार्मूले का उपयोग करके हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस 36 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉस 36 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस वन। यहाँ पर जो एंगल होता है इसका हाफ एंगल यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर ये 18 होगा। अब चूँकि हमें कॉस 18 डिग्री का मान पता है, ये होता है स्क्वायर रूट ओवर 10 प्लस टू रूट फाइव अपॉन फोर।
इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और आगे सरल करते हैं, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ओवर 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, और ये इसका स्क्वायर है और ये माइनस 1 है। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और फिर ये माइनस 1। तो आगे जब इसे सरल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 और ये अपॉन 8 और ये माइनस 1। आगे सरल करेंगे तो एलसीएम आएगा 8 और फिर ये 10 प्लस 2 रूट 5 और फिर ये माइनस 8, तो 10 माइनस 8 मिल जाएगा 2, 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8। आंसर से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस रूट 5 और ये अपॉन 8। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 और ये मान है कॉस 36 डिग्री का जो कि हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रश्न में हमने कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का उपयोग किया था। अब हम उपयोग करने वाले हैं कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ से यदि मुझे कॉस 36 का मान निकालना हो तो मैं लिखूँगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का जो मान होता है ये होता है स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉस 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 और इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो इससे मिलेगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 2, 5 प्लस 1 दैट इज 6, फिर माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये मिलेगा 1 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4 और फिर 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4। आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मिलेगा 4 और ये 4 माइनस 3 प्लस रूट 5। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कॉस 36 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 या फिर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने कॉस 36 का मान निकाला लेकिन दूसरे सूत्र का उपयोग करके। तो इस तरीके से उपलब्ध सूत्रों का उपयोग करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब हमें सिद्ध करना है कि साइन 36 डिग्री इक्वल टू रूट ओवर 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, ये होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में एक्स इक्वल टू 36 डिग्री रखने पर, तो ये हमें मिल जाएगा साइन 36 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। अब चूंकि कॉस 36 डिग्री का जो मान है ये रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 होता है, ये मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी से ये हमें मिलेगा 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 अपॉन 16। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हमें मिलेगा 16 और ये मिल जाएगा 16 माइनस 6 और ये माइनस और ये प्लस माइनस 2 रूट 5। तो 16 माइनस 6 करेंगे तो मिल जाएगा 10 और ये 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। तो इस तरीके से हमें मिल गया या हमने सिद्ध किया कि साइन 36 डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4।
अब हमें सिद्ध करना है कि साइन पाई बाई फाइव इंटू साइन टू पाई बाई फाइव इंटू साइन थ्री पाई बाई फाइव इंटू साइन फोर पाई बाई फाइव ये इक्वल टू होगा फाइव बाई सिक्सटीन के। चलिए इसका हम हल देखते हैं। यदि x प्लस वाई इक्वल टू पाई हो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू पाई माइनस वाई। यदि दोनों पक्षों में हम साइन अप्लाई कर दें तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन x इक्वल टू साइन पाई माइनस वाई। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन y। तो इस तरीके से हम यह लिख सकते हैं कि पाई बाई फाइव प्लस फोर पाई बाई फाइव इक्वल टू पाई होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई फाइव इक्वल टू साइन फोर पाई बाई फाइव। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं टू पाई अपॉन फाइव प्लस थ्री पाई अपॉन फाइव इक्वल टू पाई। तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन टू पाई अपॉन फाइव इक्वल टू साइन थ्री पाई अपॉन फाइव। तो इसका उपयोग करके हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये साइन पाई बाई फाइव इंटू साइन टू पाई बाई फाइव साइन थ्री पाई बाई फाइव और साइन फोर पाई बाई फाइव। तो अंत में ये जो दोनों पद हैं इसको हम परिवर्तित करेंगे। ये जो साइन थ्री पाई बाई फाइव है इसे हम साइन टू पाई बाई फाइव लिखेंगे और साइन फोर पाई बाई फाइव है इसे साइन पाई बाई फाइव लिखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन पाई बाई फाइव इंटू साइन टू पाई बाई फाइव और फिर ये साइन टू पाई बाई फाइव और साइन पाई बाई फाइव। तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि साइन पाई बाई फाइव और साइन टू पाई बाई फाइव इसका ये होल स्क्वायर है। चलिए आगे चलते हैं। साइन पाई बाई फाइव को मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ और अगला जो पद है इसे लिखा जा सकता है साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टेन। पाई बाई टू माइनस पाई बाई टेन करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू पाई बाई फाइव। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन पाई बाई फाइव इंटू कॉस पाई बाई टेन और इसका ये स्क्वायर है। साइन पाई बाई फाइव और कॉस पाई बाई टेन की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। साइन पाई बाई फाइव दैट इज टेन माइनस टू रूट फाइव अपॉन फोर और कॉस पाई बाई फोर ये है स्क्वायर रूट ओवर टेन प्लस टू रूट फाइव अपॉन फोर और इसका ये स्क्वायर रूट है। इन दोनों पदों को जब सॉल्व करेंगे तो चूंकि यहाँ पे वर्ग है और इसके अंदर में वर्गमूल है तो ये वर्गमूल जो है ये हट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा टेन माइनस टू रूट फाइव अपॉन सिक्सटीन इंटू टेन प्लस टू रूट फाइव अपॉन सिक्सटीन। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले का उपयोग करके हम लिख सकते हैं टेन का स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव का स्क्वायर और ये सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन ये मिलेगा आपको 256। तो यहाँ से मिल जाएगा 100 माइनस दो का घात दो करेंगे तो मिल जाएगा चार और वर्गमूल पाँच गुणित वर्गमूल पाँच करेंगे तो मिल जाएगा पाँच। पाँच और चार का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 अपॉन आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 80 अपॉन 256 और आगे सरल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5 बाई 16 और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है टेन 9 डिग्री माइनस टेन 27 डिग्री माइनस टेन 63 डिग्री प्लस टेन 81 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। या फिर इसको सरल कीजिए तो इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए मैं ये टेन 9 और टेन 81 डिग्री को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो टेन 9 डिग्री प्लस टेन 81 डिग्री और फिर ये माइनस साइन
टेन 27 डिग्री प्लस टेन 63 डिग्री। तो इस तरीके से हम टेन 81 डिग्री को लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 9 डिग्री, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो इस वजह से टेन 81 इक्वल टू हो जाएगा कॉट 9 डिग्री। इसी तरीके से टेन 63 को लिखा जा सकता है टेन 90 माइनस 27 डिग्री, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो इस तरीके से मिल जाएगा कॉट 27 डिग्री। इन दोनों मानों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, टेन 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री, फिर माइनस टेन 27 डिग्री प्लस कॉट 27 डिग्री। टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा जा सकता है, तो ये साइन 9 अपॉन कॉस 9 प्लस कॉट को लिखा जा सकता है कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉस 9 अपॉन साइन 9 डिग्री, फिर माइनस साइन 27 अपॉन कॉस 27, फिर प्लस कॉस 27 अपॉन साइन 27 डिग्री। इसे आगे सरल करेंगे तो इसका जो एलसीएम है ये आएगा साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री। इस पूरे पद को कॉस 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन 9 डिग्री, और साइन 9 डिग्री को साइन 9 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर 9 डिग्री। इसी तरीके से आगे आएगा कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इस वजह से यहाँ पर जो अंश है ये हमें मिलेगा 1, और हर में साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, फिर माइनस 1 अपॉन साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। इसे और सरल किया जा सकता है यदि इसमें हम अंश और हर में दोनों में 2 का गुणा कर दें, तो ये 2 अपॉन 2 साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री हो जाएगा, और फिर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है साइन 2 इंटू 9 दैट इज 18 डिग्री, और फिर माइनस 2 इसे लिखा जा सकता है साइन 36 डिग्री। अब चूंकि हमें दोनों का मान प्राप्त है या दोनों का मान हमें ज्ञात है, तो साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, और साइन 36 डिग्री ये रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। इसे आगे सरल करें तो ये हमें मिल जाएगा 8 अपॉन रूट 5 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन रूट 5 प्लस 1। दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से ये हमें मिल जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, और इस तरीके से हमें मिलेगा 8 इंटू दिस टर्म, तो डायरेक्ट मैं गुणा कर रहा हूँ 8 इंटू रूट 5 प्लस 8, फिर माइनस 8 इंटू रूट 5 8 रूट 5, और फिर माइनस और माइनस प्लस 8, ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएगा 8 प्लस 8 16 अपॉन 4, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो अब हमें प्रश्न में सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट ओवर सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये इक्वल होता है कॉट पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 के, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसके इस प्रथम पद को लेकर के चलते हैं, स्क्वायर रूट ओवर सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। सेक को 1 अपॉन कॉस और टेन को साइन अपॉन कॉस लिख करके हम आगे हल करते हैं, तो सेक 1 अपॉन कॉस ए, फिर माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर अपॉन 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए,
तो यहाँ पर जो लघुत्तम समापवर्तक है या एलसीएम है, ये कॉस ए मिलेगा, यहाँ पर भी कॉस ए मिलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ से आगे लिख सकते हैं वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए। अब आगे इसे सरल करने के लिए देखिए, वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने से हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, और इसका संयुग्मी ये वन माइनस साइन ए, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए स्क्वायर रूट है, इस वजह से ये आ जाएगा वन माइनस साइन ए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा वन माइनस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर कॉस स्क्वायर ए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो दिस इक्वल टू दिस हमने प्रूफ कर दिया, और इसे आगे सरल करके हमें प्रूफ करना होगा कॉट पाई बाई फोर प्लस ए बाई टू। तो वन माइनस साइन ए को लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई टू माइनस ए, और साइन और कॉस को लिखा जा सकता है साइन पाई बाई टू माइनस ए। तो वन माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस ए, इसे हम लिख सकते हैं टू इंटू साइन स्क्वायर, और थीटा जो होता है यहाँ पर जो एंगल उसका हाफ एंगल, तो ये मिलेगा वन बाई टू इंटू पाई बाई टू माइनस ए, और फिर अपॉन साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो टू इंटू साइन वन बाई टू और ये पाई बाई टू माइनस फोर, और फिर कॉस वन बाई टू पाई बाई टू माइनस फोर। चलिए आगे सरल करते हैं इसे, यहाँ से ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ब्रैकेट में जो वन बाई टू है इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा पाई बाई फोर माइनस ए बाई टू, और फिर अपॉन साइन पाई बाई फोर माइनस ए बाई टू इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस ए बाई टू। इसे जब और आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा साइन साइन पाई बाई फोर माइनस ए बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई फोर माइनस ए अपॉन टू। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू टेन पाई बाई फोर माइनस ए बाई टू, और टेन पाई बाई फोर को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस ए बाई टू। अब यदि इसे आगे सरल करना हो तो माइनस को कॉमन ले लें तो ये हमें प्लस मिल जाएगा, इसलिए टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर है यहाँ पर पाई बाई फोर प्लस ए बाई टू, जो कि राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों इस अध्याय की शुरुआत हुई थी कोण से, जहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने कोण और कोण की मापन की पद्धतियाँ देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति फलन का सामान्य परिचय, और फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। उसके बाद हमने ये देखा था कि त्रिकोणमिति फलनों का मान अलग अलग चतुर्थांश में किस प्रकार धनात्मक या ऋणात्मक होता है, जैसे कि 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, और इसके साथ माइनस थीटा के लिए भी हमने त्रिकोणमिति अनुपातों को देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था योग सूत्र, जहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी देखा था। फिर उसके बाद हम पढ़े थे व्यकलन सूत्र, जैसे कि साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी और कॉट ऑफ ए माइनस बी। इन सूत्रों के सत्यापन के बाद हम लोगों ने उससे संबंधित प्रश्नों को देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा रूपांतरण सूत्र, व्यकलन सूत्र और योग सूत्र के योग या फिर अंतर से हमें कुछ और सूत्र मिले थे, जिसे हमने रूपांतरण सूत्र कहा था। और फिर बहुल एवं अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों का मान और उससे संबंधित सूत्रों को देखने के बाद हमने उससे संबंधित प्रश्नों को देखा था, और फिर इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ग्राफ एवं समीकरण।